गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हमारी कहल हमारे भाई हैं, पहली बार मिले हुए इनसे। ये चल रहा है, तू भी है भाई, तू भी है, देख ले इंगे तो निकल जा। आपने जो हाथ निकाल के तू छेड़ा है ना मुझे भाई। आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के वहीं पे एक वाटर पार्क खुला, उसकी ओपनिंग पे सारे भाई अपने खोपचा पे रेडी हैं। रेडी तो कोई भी नहीं, खैर सब आ रहे हैं रास्ते में। सबसे पहले हम आए भाई, बिल्कुल टाइम से कभी। यूं हमें कोशिश करी जा रही थी हमें छोड़ के भागने की, पर वह ना मैं कैच कर लूं, पकड़ती वही पकड़ ली। ठीक है। और तेल हो रहा फुल, तेल फुल करवाना जरूरी, क्योंकि गाड़ी चलेगी कैसे भाई। राउंड फिगर कर दो, ये देख लो बदमाश से। बारिश आ गई क्या हमारी गाड़ी का, तो वो चिपक गया चारकोल। रोड बन रहा था, रोड बड़े बड़े पे ले लिया, बारिश आ गई। लगा भाई ये पत्थर आ रहे हैं, वो चढ़ू चढ़ गया बस। साढ़े कैसे पत्थर है, कौन सी गाड़ी में से आ रहे हैं पत्थर, जो अगली गाड़ी के चार पोल चिपट रहा। और शिट कर्मा इज बीच हो रहा गाइस। हम तो उड़ा रहे हैं किसी के ऊपर पे, हम तो वो पीवाई के ऊपर उड़ा रहे हैं। सही है, मैं कह रहा हूँ भाई आज हमारे साथ गाड़ी कम है, क्योंकि हमारे विनय भाई भी थोड़े इमरजेंसी में, और भी अपने सारे भाइयों को कुछ काम पड़ गया। तो अपनी गाड़ी है, पप्पी भाई की गाड़ी है, एक जय भाई है, जय पंडित जी हमारे, जो कहाँ मिले थे हमें होली के टाइम पे, जिनने हमें इनवाइट करा था गौशाला की तरफ से, बरसाना में इनवाइट करा था। वो भाई हैं, पीछे ही हैं वो भी। और आगे कृष्णा भाई है, मतलब आएगा वो बॉर्डर पार करते ही। उस और कौन है भाई, और दो फिर आगे एक कंपनी करेगी हमको, कौन एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ, और एक पीसीआर ऑर्गेनाइज कर रखा है, वो आएंगे भाई। उनकी उनने पीसीआर करवा रखी है, चलो उनने पीसीआर करवा रखी है, 2-3 पीसीआर हो जाएगी फिर अपने बैच। और अपने दुम्बा हटा देंगे खाटू श्याम महाराज का जाके, वाटर पार्क में उधर, मतलब वहाँ भी माथा टेक आएंगे भाई। जा रहे हैं इतनी दूर तो देख ही नहीं पाओगे, बहुत भीड़ हो जाएगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक भाई का कल हम फोन करा था रात को, तो कह रहा था कि भाई जब से आपने स्टोरी डाली है ना, तो वहाँ के इर्द गिर्द के सारे होटल बुक हो गए। ओह माय गॉड, ये काम भी करता हूँ मैं, सेल्स के। मुझे तो आज पता लगी, होटलों को बुक कराने लग गया मैं। कोई नहीं, रास्ते में मौसम बहुत प्यारा हो गया, मौसम दिखाता हूँ। इसको चलानी नहीं आ रही इस बंदे को, जो भी है ना हमारा भाई ये। मौसम तो बड़ा मस्त हो गया है, देखो तुम क्या सेक्सी। वहाँ बारिश आ रही है, मेरे को क्या पता बारिश आ रही, तो मजा आ जाएगा ना। बारिश तो ना आ रही हो यार, उतरूंगा कैसे, लोग भीग जाएंगे। वैसे इतनी गर्मी में जरूरत है बारिश की, बट आज मत करना भगवान जी प्लीज, बट बारिश का लग रहा होगा। इतने लोग बेचारे मिलने आएंगे, कैसे यार। स्टोरी पे मेरे पता कितने शेयर हैं, 25,000 शेयर। 25,000? हाँ, महाकसम 25,000 शेयर है भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ। मैंने एक स्टोरी डाली, मैंने उसके बाद ये भी नहीं पूछा मैंने क्या हो गया ना। मैंने कि यार कहता ज़्यादा भीड़ भड़का हो जाए फिर अपने को दिक्कत हो जाएगी, तो अपने मैंने एक स्टोरी डाली मैंने कि भाई ऐसे ऐसे जगह आ रहा हूँ मैं, आना हो तो आ जाना बस। ये देख लो ना हमारा भाई स्टूडियस भाई, पढ़ाई करनी पड़ेगी घर पे, पर चल रहे कर लो भाई सब कर लो। हम अपने गाना सुन रहे, इतना अंडर एस्टिमेट चल रहा गाना, और अनार चल रहे हैं अपने तो। और मैं ये वाली जिप्सी ना तुम्हें सिर्फ राजस्थान में देखने को मिलेंगी, ये अगर आ गई ना तो समझ जाना राजस्थान में घुस गए तुम। पहले पंजाब साइड भी चलती थी ऐसी, बट पंजाब में तो बंद होगी। इधर देखो ये सही काम आ रही है। अभी तो यहाँ पे जाम चल रहा हमारा थोड़ा सा। अरे गाड़ी चलानी भूल गया भाई मैं ना, ये गाड़ी पीछे आ रही है भाई। ये ट्रक एक जगह जाके क्या ऐसे ऐसे करवाने जा रहे हैं सारे ट्रक भाई, ट्रकों के बीच हम फंस गए। आ रहे हैं यार हम भाई, वे आगे पहाड़। अरे एसी इतना तेज को चलाते हो तुम, बाहर क्या आ रही है। अच्छा बाहर की हवा अंदर कैसे घुस रही है, वही मेरे भी समझ। भाई पहाड़ आ गए चारों तरफ, हिल्स आ गई गाइस, हिल्स। डैम्पिंग कराने के बाद एक बंदा तो राजस्थान का ही हम में है। डैम्पिंग कराने के बाद इतनी आवाज कैसे आ रही है गाड़ी में। अरे रोल्स रॉयस थोड़ी इतनी तो आवाज है भाई। अब भाई सामने पहाड़, ऊपर बादल। अरे मेरी सुन लो, लेफ्ट आएगा, अब लेफ्ट जाना है। ठीक है भाई, ये तो बहुत दूर है यार, हम तो पहली बार जा रहे हैं खाटू श्याम जी के पास। 100 मीटर फिर हो चुका भाई, थोड़ा सा सो रहा है, देख लो। दिन भर सोया, रात में भी सोया, खा हो गया था भाई। लोकेशन तो 20 मिनट दूर है। हम भाई यार कह रहे हैं कि अपना वो ब्लॉक है, सिस्टम ब्लॉक है, आगे का रोड राड, तो पुलिस चाहिए कि पुलिस का वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। विदाउट सिक्योरिटी जाना उनका ठीक नहीं है, पूरा रोड ब्लॉक है आगे का। मैं कहा चलो ये भी ठीक है, तो पुलिस का वेट कर रहे हैं अभी, पुलिस के आते ही यहाँ से निकल जाएंगे। सिक्योरिटी इज हियर विद ऑल द वेपन्स। ये देखो वेपन देख रहे हो, दोनाली है, दोनाली पता ना कौन सी नाली है, मेरे कमर के नीचे भिज गया। बदमाशी हो, देख रहा भाई पूरी सिक्योरिटी। भाई कुछ कह रहा भाई। अजी भाई 5 मिनट में रवाना हो जाएंगे, ठीक है सर। पुलिस के लिए 5 मिनट और रुक जाएंगे। जिप्सी आ रही है बोलिए, 5 मिनट सर है ना। ठीक है। हाँ जी भाई, मैं कह रहा हूँ भाई एक जिप्सी तो अपनी भाईयर की गैल आएगी, ओके। एक जिप्सी अपनी जयपुर से आ रही है, एक जिप्सी अपनी लोकल थाने से आ रही है। क्या डैम है भाई लड़के का, सिस्टम है भाई। ना ना, तो मैं बता रहा हूँ कि अब हम पे क्या क्या सौदा होगा। और वहाँ पे रोड है पूरा ब्लॉक। तो भाई हम, कितना मस्त लग रहा है चश्मे में, देखना भाई। हम इस चुनौती को पार कर पाएंगे भाई? टफ होगा आज मेरे को लगता है, विद ऑल द सिक्योरिटी स्टफ। रिबन काट पाऊंगा मैं वाटर पार्क का? चुनौती तो क्या ही हो, प्यार देने वाले नु कह रहा है। तो वाटर पार्क जाने को वहाँ वॉक कर खाऊंगा, वाटर राइड्स साढ़े। वहाँ पे मुंह भी धो लेना, इतना पानी भी लगवा ले तो भी देख ले, तुझे टाइम ना मिलेगा। जनता को ढावड़ा के पानी में फेंक दे, जनता तुझे डुबो दे, कभी मुंह तेरा डुबो दे। हम तो राजी हैं, जनता जो भी करे हमारे साथ। जनता जो भी करे हमारे साथ। इतना दोगला तीगला बंदा नहीं देखा मैंने। तीगला एक तरह दोगला एक तरह तीगला। अरे भाई से गन मांगो ना, एक बार गन तो देखे, गन मांगो ना। ओ भाई का सामने वाले भाई के पास। अरे गन वन से दूर रहा करो यार। अरे भाई गन का ही शौक है। अरे शौक क्या होता है भाई, हम तो डर लगे इन चीजों से। अरे फिर मांग के देखो तो। अरे हमें डर लगा है। अरे दिखेगा दिखा भाई को पकड़ा के, कौन सी है ये? अरे रहने दो, मेरे गन से डर जायो। देख दिस इज 12 बोर आई गेस। भाई आपके पास कौन सी है? कौन सी? मेरे पे कहां था आई गन? वो नहीं है क्या आपका? एक का 47। मेरे पे ना कुछ भी, मेरे पे तो तमो गन गन मर गए दोस्त। क्या बात है भाई। भाई सुनो, एक काम करो, यहाँ से फोटो ले लो, सेल्फी ले लो, सेल्फी ले लो इधर से। आओ चलो फ्री हो जाओ, लो वेट नहीं कट्टी नहीं, एक एक करके आ जाओ, एक एक करके ले लो बेटा। थोड़ा दूर भाई, ठीक है चलो, थैंक यू। आ जाओ भाई, सारे ले लो भाई, जल्दी जल्दी सारे ले लो। लगे पानी पी लो, पानी पियो भाई, ठंडा करो। थैंक यू। आओ भाई लो जी, ठीक है भाई, थैंक यू। आ जाओ भाई साहब, धन्यवाद भाई। चलो जाओ आप, खड़ा आ जाओ, आ जाओ दूर से ले लो। कैसे हो भाई? चलो जी ले लो, नमस्कार जी। आओ दूर से ना? धन्यवाद भाई, थैंक यू। वो कर दिया, ऊपर कर लीजिए सर। चलो भाई, हाँ भाई सिक्योरिटी इंक्रीज। पुलिस कितनी देर में आ रही है? पता नहीं भाई, पुलिस का तो पता नहीं, मेरी गाड़ी बहुत सारी होगी है ना भाई। मजा आ रहा है। बैठो आप आराम से, पीछे बैठ जाओ। आगे क्या इसको पकड़ के खड़े रह सकते हैं आपके साथ? क्योंकि यहाँ पे क्या लोग जैसे कोई अलग जो होते हैं वो स्क्रैच भी करते हैं, वो दिक्कत है, इसलिए स्क्रैच भी मारते हैं। अरे वही दिक्कत है। ठीक है ओके, आप पीछे हो जाओ, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। डायमंड वाटर पार्क पे, भैया एक्चुअल वहाँ पे भीड़, एक पिक दे दो बस भाई, जाना अभी तो पीछे होगा भाई। अब पीछा लिए, पीछे अपने बढ़िया सौदा। आगे जिप्सी कहाँ गई? बोरी भाई जिप्सी, अभी दिखाता हूँ भाई। ये रही भाई राजस्थान पुलिस, जैसे तुम देख रहे भाई, पूरी जिप्सी पुलिस वाला। और उधर करो। और भाई ये इनसे एक ये नहीं लग रहा भाई, जेन्युइन कसम से पढ़ाई लिखाई सब बेस्ट है भाई। अर्चित हवाबाज ने बेस पूरा कर दिया, धूम भी धूम हो रही है पीछे, ताकि लोगों को पता लग जाए कि हमारी गाड़ी में बेस्टी हुआ है। देख कार्रवाई करिए, फिर करिए लैब है आई सिस्टम। अब बेवकूफ घोषित मत करवा, मैं बंद कर दो। इन्हें पता नहीं है मैं इधर हूँ, इन्हें पता नहीं है इधर हूँ। उनको एक बार आवाज मार दूँ? ये शीशे वगैरह तोड़ देंगे। आ रखे हैं अपने राजस्थान ओडी और राजस्थान की जनता का प्यार देख लो तुम। ऑन नहीं है भाई आपका वो? बिल्कुल और इससे ज्यादा प्यार क्या चाहिएगा। ये अपने बाउंसर भाई हैं जो पूरी सिक्योरिटी संभाल रहे हैं। इतना प्यार कर रही है जनता, इससे ज्यादा क्या ही होगा। कटारिया वगैरह कहाँ है? चल नहीं रहा भाई है। माइक भी काम ना कर रहा है। चल रहा है। कहाँ पे आवाज आ रही है? हेलो इसकी आवाज नहीं आ रही अपने को। अभी देख लो प्यार कितना ज्यादा। आधे बंदे कपड़े में खड़े, आधे विदाउट कपड़े खड़े। इतना प्यार है, देख रहा। मैं कह रहा हूँ सिस्टम के लग गए। ऊपर उसके बाद आ रहा हूँ नीचे। आग आ रही है। बाइक में दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। चल नहीं रहा। पैरों फेवरेट डायलॉग तो बोले यार। फेवरेट डायलॉग तो बोलो। भूपा बदमाश है भाई, भूपा बदमाश है। ऊपर से बना लिया, बढ़िया है। ऊपर नीचे। अरे चलो नीचे चलो यार। तुम अभी मीटअप में पहुंच नहीं पाया और इस बार पब्लिक के बीच में आ रहा हूँ, एकदम सेंटर में। ना नीचे चलेंगे, उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही। तुम यार मतलब फोटो तो फुर्सत ना हो रही भाई यार। चलो जी अब पब्लिक के बीच में। हाँ सच में बहुत बड़ा फेरू। अरे धन्यवाद, थैंक यू। आपकी सारी स्टोरी देखी मैंने भाई। यही होगा फॉर्चुनर में चढ़ोगे, ऊपर जाओगे यही। अपनी गाड़ी का मैं आपकी नहीं, पुलिस की जिप्सी पे चढ़ूंगा। पुलिस की जिप्सी पे चढ़वाओ। एक मिनट, फॉर्च्यूनर पड़ी है ठीक है। कहाँ है फॉर्च्यूनर? वो पड़ी आपकी है, वो वाइट वाली। नहीं मेरी नहीं है भैया। हाँ ले ली, बढ़िया, थैंक यू। थोड़ा सा स्पेस दे दो, हमारे बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दो बस। एक अपना माइक कभी काम करें। यार भाई यार यार भाई अरे रुको, अरे रुको आपके साथ लाइव लाइव भेजो लाइव 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 हाँ कच्चे रास्ते पे ये आप लाइव भेज दो। ओके रोके 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 आगे भाई भीड़ आ गई आगे सर। गाइस ये देखो गाइस कितना मस्त वो है पापड़, उसमें घेर दे आम रेस्ट में घेर दे को दे दो ना छोरा को आना पापड़ दे दे छोरा पापड़ दे छोरा ले मुंह खोल इसके मुंह में दे दे भाई पापड़ तो बड़ा मस्त है राजस्थान का बहुत बड़ा आप तो पापड़ पापड़ा पापड़ा भाई। अपना काइंड ऑफ मीटअप खत्म हो गया, वाटर पार्क भी खुल गया, सारी चीजें हो गई, बट एक चीज मेरे को सही नहीं लगी वहाँ की, बताओ भाई क्या चीज सही नहीं लगी? वहाँ का मैनेजमेंट मेरे को सही नहीं लगा। क्यों नहीं सही नहीं लगा? क्योंकि स्टार्टिंग में जो अपने बंदे आए उन्होंने उन पे लाठी चार्ज करवाई। पहली चीज़ मैं उनको मना कर रहा था अंदर से बैठ के, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो कहते हैं नहीं वो भीड़ को काबू में करना। मैंने कि भीड़ काबू में करना इज़ डिफरेंट, भीड़ को मारना इज़ डिफरेंट। मैंने कि उनको एक बाउंड्री सेट कर दो कि उसके आगे ना आए। ये मारने का कोई वो थोड़ी है, लाठी चार्ज वगैरह पुलिस पुलिस थोड़ी है, बाउंसर्स कर रहे हो सारे काम। तो एक चीज़ वो चीज़ टोकी मैंने। और जितने भी भाई इवेंट वाले अगर कोई मेरे को बुलाते हो तो एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट तो क्या ही है मतलब ऐसे है कि भाई लाठी चार्ज मत करो, फैंस को किसी को भी कुछ बोलो मत, इन्जॉय करने दो बस। वैसे उनको बता दो कि भाई इतना यहाँ रहो वहाँ रहो, काबू करना अलग चीज़ होती है। नहीं तो भाई इवेंट मैं इनको भी बोल दिया था, मैंने कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ स्टार्टिंग में। जब उन्होंने कही कोई बात नहीं हम, मैंने कही तो क्या तो मेरे को मिलवाओ इनसे, क्योंकि हर बार मीटअप में ऐसे होता है। उस चक्कर में मैं गाड़ी खाता हूँ कि एलिस भाई मीटअप तो कर लेते हो और मिल के नहीं जाते हो। आज प्रॉपर बातचीत हुई, इनका माइक भी नहीं चल रहा था, पर चलो कोई बात नहीं, माइक तो अलग चीज़ होगी। दूसरी चीज़ भाई जितने भी मेरे भाई बंधु आ रखे थे राजस्थान के, राजस्थान में मैं जब भी जाता हूँ भाई बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है मेरे को। और मेरे जितने भी भाई बंधु आ रखे थे जहाँ से भी, जयपुर साइड से भी आ रखे थे, सीकर से भी आ रखे थे, और भी प्रॉपर यहाँ जो जगह थी अपने, कौन सी जगह पे आ रखे थे? खाटू श्याम जी के पास ही थे हम लोग ऑलमोस्ट, मतलब जगह कोई नाम नहीं है उसका, नाम तो नहीं पता। और हमारा प्लान था कि हम माथा टेक के जाएं वहाँ पे, बट भीड़ के चक्कर में वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। पर चलो वो तो सेकेंडरी चीज़ हो गई, अपना ये प्राइमरी चीज़ ये जो काम हम करने गए थे वो काम हो गया हमारा। अब निकल चुके हम वापस, गार्बेज वापस हो चुके। मतलब सही था मीटअप, बढ़िया था वो वाला। स्टार्टिंग में जो उन्होंने करा ना उसके बाद मेरा दिमाग सा चटक गया। मीटअप तो क्या था मतलब मिलने का? हाँ मतलब मीटअप तो नहीं था, मैं तो बोला रहा था कि भाई मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसे ऐसे रिबन कटाई के लिए, रिबन तो ना काटा, वैसे ही ओपनिंग करी है हम तो मुंह है। पर भाई यही है ऑर्गेनाइज जो भी करेगा थोड़ा सिस्टमैटिक वे में, ताकि जो बंदा आ रहा है उसको भी दिक्कत ना हो, और जो फैन मतलब भाई लोग आ रहे हैं हमारे कम से उनको भी अच्छे से प्रॉपर टाइम मिले, सब चीज़ मिले। वही थोड़ी मैनेजमेंट में और माइक वाइक की सुविधा, बाउंसर्स की सुविधा, ये सारी चीज़। इनने 20 बाउंसर गई थी, 20 तो ना थे यार, कम थे, बहुत कम थे। पुलिस की भी गई थी, पुलिस अंदर तक नहीं आई, जिप्सी विप्सी तो चलो अलग चीज़ होती है, बट इट वॉज गुड। तो अभी घर निकल लिए भाई, रास्ते में 4.5-5 घंटे का ये रास्ता है, यहाँ से चलते हैं हम। ओके भाई जिसे नहीं पता ट्रक का ये ढांचा होता है, देखो इसके ऊपर ट्रक बनता है, ऐसे चला रहा है, दिस इज ट्रक, रॉ ट्रक, रॉ ना कटा इनका भाई किसी नाम। बाबा कौन सा काम है? वो तो बताओ कि आपने करा क्या है? बाबा वो कर दो हुक्का पे दो भाई, हुक्का पियो, हुक्का पे मार ले टेस्ट पियो भाई पियो ले भाई सिस्टम तुम कितना से भाई कटारे पी पी। अरे कटारे क्या होगा ले भाई, अरे कोई बात नहीं, क्या बात हो गया कटारे, ये देख ना ना मैं तो के ले भाई कटारे, ले भाई कटारे गाड़ा ना पिया लो मारा है जो भी राजस्थान का वाला कटारा है जो करता है। हमने भी बिठा लो भाई, आए भगवान पीस है ना यहाँ गुड़गांव में तो भड़क है भाई। मैं कुछ भाई नहीं कर रहा भाई, माँ का समय नहीं कर रहा। तो डरने वाली बात क्या है भाई, मैं बताता हूँ। देखो मीटअप में आ गया मजा, क्या बात है भाई। भाई आ गया मजा, आ गया मीटअप में मजा आ गया। तुझे आया मजा? हैं तुझे आया मजा? मुझे तुम्हें मजा आएगा, मेरे को मजा नहीं आएगा। तीन बंदियों ने कटारिया को छेड़ दिया। ले भाई तीन बंदियों नहीं, चार थी। चार बंदे तो चिल्ली बीमारी है कटारिया आई लव यू, और लक्ष्य को भी तगड़ा दिया। लक्ष्य भाई चलो जो भी हो भाई, बहुत तगड़ा था। बट जो बात मैंने बोली वो चीज़ अगली बारी भाई ध्यान रखना। विनय भाई पता है ना क्या बोली मैंने? मैंने आपको जब फोन करके बताई थी कैसे डंडे मारे, जो डंडे मारने लगी। नहीं वो नहीं मारना चाहिए यार, चाहे पुलिस हो चाहे वो भाई। जय तो घूम गया था क्राउड में भाई, चाहे बाउंसर है तो मतलब तू उन्हीं के दम पे तो है यार, फैंस के दम पे तो है। उन्हीं को पेल दिया। मैं भी अगर धूप में खड़ा हूँ फैन फैन बन गया, बहन तो मेरी लठी लगी। तो उनको बुरा लगेगा ना उस चीज़ का, उनको लगेगा मैंने लगवाई है। उन्हें नहीं पता कि मैंने नहीं लगवाई भाई, मैं क्यों लगवाऊंगा। हम तो खुद चिल्ला ही रहते उस भैया पे। मैं तो भाई वहाँ उनसे सुना दी ऑर्गेनाइजर रहता है। तो क्या है? तुम लोग आए जल्दी भी चक्कर में कि तुम गुस्सा थे उनसे, तुम नाराज से चक्कर में भाई। हम तो चल दिए थे वो, तो उन्होंने कहा कि भाई प्लीज एक बार रुक जाओ। जेन्युइन हम खड़े होकर लिटरली बाद में तो चिल्ला, हम कहा भाई क्या सिस्टम है नहीं, ये लठ नहीं मारना चाहिए। हम लोग को ये बोला कि मैं कहा सारे लाठी चार्ज इज द वर्स्ट। हम लोग अंदर आए ऑफिस में, सामने पब्लिक रोड की साइड खड़ी थी, उनको पता लगा मैं पीछे से आया हूँ। नो वन हैज द राइट टू हिट एनीवन, और खासकर हमारे सब्सक्राइबर्स को कोई मार ना सके। तब है कि ना जब कोई प्रोटेस्ट चल रहा था, और भाई बहुत ही सिस्टमैटिक वैसे खड़े थे सारे भाई, जेन्युइन कोई कुछ नहीं कर रहा, आराम से खड़े थे वेट कर रहे थे। और हमको तो और वो आ रहे थे आगे आते आते रोक दिए, लगाओ आगे आते आते रोक दिए। वो था और मारते बहाना मार रहे थे भाई यार कि हम मार ना रहे, हम भगा रहे हैं। मैं भाई भगा रहे हो मार रहे की बात यार, मेरे क्यों भगा रहे हो। वो भाई के पास वीडियो भी है भागते हुए की, मैंने देखी है मार तोड़ की भी है भाई। जेन्युइन मानोगे नहीं, जब एंट्री हुए थे ना बहुत सारे भाई थे, बहुत सारे, पर उन्होंने भगाया ना तो आधे भाई तो वैसे ही चले गए शायद गुस्से भाई। सारे भाइयों से ना सिक्योरिटी एजेंसी जो भी थी ना उसकी गलती थी बहुत, जो भी फैन थे भाई के। और भाई मैं इनसे बड़ा ही हूँ, मतलब मैं माफी मांगता हूँ भाई, हम माफी मांगते हैं यार आप लोगों से भाई। मतलब हम कभी नहीं चाहेंगे कि इसके कोई भी फैन को कोई मतलब हाथ भी लगाए, किसी के फैन के भी। हाँ, अगर कोई किसी का फैन तो कोई भाई वैसे ही मिलने आ रहा है, मतलब तुम लोग सब फैमिली हो यार, और तुम्हारे ऊपर लाठी चल रही है तो हमारे परिवार को लाठी मारी भाई। पर वैसे भाइयों की एक चीज तो है, एक स्टोरी डालो भाई तभी सारे इकट्ठे हो जाओ, ये तो भाइयों का यही प्यार है। तो उनको भी समझाया मैंने ऑर्गेनाइजर्स को कि बहुत गलत करा। आज के बाद आगे से कोई भी इवेंट हो ना भाई, जितने भी ऑर्गेनाइजर मतलब आप सोच रहे हो एलविश को बुलाए ना बुलाए, बुलाओ तो भाई प्लीज अपना बैकअप लेके प्लीज़ कुछ तो अरेंजमेंट ऐसा रखो कि फैंस भी दुखी ना हो और ये लोग भी दुखी ना हो। बिल्कुल भाई, मैंने भी ब्लॉग में ये बोलता कि भाई अरेंजमेंट ऐसा रखो सब मिल भी पाए, क्रिएटर को भी दिक्कत। हमारा कोसली वाला कितना बढ़िया था, और हम 3-4 में गए हैं, वहाँ बाहर के लोग भी थे, स्टूडेंट लोग भी थे, मतलब तरीके से थे। तो थोड़ा सा यार इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो 2-4 चीज में और अपने मैनेजमेंट सुधार लो यार, और बस एक स्पीकर अच्छा रख लो। आप सोचो ना आप लोग जो बाउंसर हैं, जो तुम बाउंसर मत बनो, थोड़े फैन बन जाओ, परिवार बन जाओ हमारा। तुम्हारे क्या बात कही है, तुम्हारी लाठी लगे कैसे लगे तुम्हें बताओ। भाई ने क्या बात कही है भाई ने क्या बात कही। चलो इसको अच्छे नोट पे एंड करते हैं। यू शुड पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। जो बच्चे 2 घंटे 3 घंटे खड़े हैं, इसने पहले गलती थोड़ी ये हो गई थी हमसे कि हम 2 बजे पहुँचने वाले थे, हम किसी वजह से हम पहुँच गए थे। उन्होंने बोला कि पुलिस आ रही है, हम टाइम पे थे जो टाइम हमारा था, जो स्टोरी डाल दी ना बाद में कि 1-1.5 बजे पहुंच गए। फिर भी यार 2-2 घंटे 3-3 घंटे कोई खड़ा है वहाँ, और उसके बाद लाठी खाए तो ये तो ये देखो ना जाते नहीं हमारे भाई लोग, सारे वही रहते हैं। ये तो भाई प्यार आप लोगों का बनाए रखो भाई, इस प्यार को और लाइक प्यार को इतना बड़ा कर दो कि मतलब सारे बाउंसरों की मतलब ना बाउंसर भी अपने भाई हैं, पर जो गलत करते हैं वो देखो, जो चीज़ गलत है चाहे उसमें कोई भी आ गया, हम आ गए तुम आ गए जो मर्जी आ गया। बाकी भाई तुम लोग प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। अपना सही था मीटअप, तो ऐसे अगर वो चीज़ ना होती तो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। बट कोई नहीं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना भाई। और अब 2-4 दिन में अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट हो जाएगा, उस पर आएगा वीडियोज़ और इस पर आएगी मेन चैनल की जो वीडियो मैं बनाता हूँ स्केच। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।